हमको याद ही नहीं होता है। और अगर किसी चीज को भूल जाने से बेटर है, ऐसा आप ही नहीं है, 90% इसमें वैसे ही है। फिर समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। सबसे बड़ा मोटिवेशन देखिए, और अगर किसी चीज को भूल जाने से बेटर है कि उसे पढ़ी ही नहीं। रीजन क्या है, अगर नहीं पढ़े ना, दोबारा पढ़ेंगे तो एक जुनून रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें इसे पढ़ना है, और पढ़ के भूल जाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे ना तो जुनून भी खत्म, अजीब चीज खत्म, ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, अरे छोड़ो यहां पे, नहीं समझे। समझिए, अगर कोई इंसान पकौड़ी छान दिया और पकौड़िया ठंडा हो गया, अब वो सोचेगा फिर एक बार कराही में डाल के छान के गर्म करे, तो सोच रहा गर्म तो हो जाएगा लेकिन स्वादे मर जाएगा। तो बेटर है कि सोच रहा बेसन आलू छान के छोड़िए दीजिए, भले देर हो देर हो, जब एग्जाम आएगा तो छान के डाल देंगे। तुम लोग क्या करता है ना, फूल छान के रख लिया तो के बाद काट बांट रहा है, सब भोज है जी हमरे यहाँ, नहीं समझे। आगे बढ़े, हमको याद ही नहीं होता है, ऐसा आप ही नहीं है, 90% इसमें वैसे ही, समझा है ना, याद नहीं होता। आप समर्पित रहिए, चार बार उसको देखिए, पांच बार देखिए, कैसे याद नहीं होगा। आप अगर पूरा ध्यान ऐसे लो थल ऐसे थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे पूरा फाइनली कंसंट्रेट, ध्यान कैसा रहना चाहिए। सिंपल आपको एक बात बताते हैं, आप में से किसी एक को हम यहां बुला देते हैं और कहते हैं कि लोथल के बारे में बताओ, फिर समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। फिर घर कहाँ है, गैस भरवाना है कि नहीं भरवाना है, रूम लोथल भोवा नदी के किनारे, युगल समाधान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस वो कंसंट्रेशन एक बार ला दीजिए, एक बार कंसंट्रेशन ला दिए ना, फिर काम खत्म आपका। ला सकते हैं वो कंसंट्रेशन। रीजन क्या है, आपके अंदर डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे, तबियत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था, हमारा तबियत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देंगे आप। आप में डर नहीं है इस बात का ना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको, आपका रूम पार्टनर आपको पीछे करके चला ना जाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। बंदूक पे अगर कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। गधा से गधा लड़का एग्जाम का टाइम टेबल निकलने के बाद पढ़ने लगता है। क्या चीज है, डर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, डर। हम लोग को मजबूरी क्या है, हम लोग में भी एक तरह का डर है। ऑन कैमरा है, पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई चीज दिमाग से स्लिप हुआ तो मजाक उड़ा कर रख देगा, सर कैंसर अब बुढ़ा आ गई लो। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बहुत दिक्कत है बिना मटेरियल पढ़ा। हालांकि हम जब पटना आए थे तो बहुत सारे टीचर लोग इस बात का एतराज था कि मतलब ये आदमी बिना किताब ये बिना नोट से पढ़ा देता है, कुल सब्जेक्ट है। तो बाकी लड़का सब भी ना, हम लड़कों को शुरू शुरू में समझाए थे, दूसरे मास्टर को टोक देता था सब, हे महाराज किताब खोल के कुंच। तो मेरी भी मजबूरी है कि हमको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाना है। लेकिन आपके अंदर डर नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये हो जाए कि इस बार नहीं हुआ तो घर वाले वापस कन्फर्म बुला लेंगे, तो आप पढ़िएगा। लेकिन आपको पता है कि घर इस बार नहीं हुआ ना, घर वाले को कन्विंस कर लेंगे। जिसको याद हो जाता है वो अपवाद है। हाँ जी।